ये देखिए गाइस, हम आज बनाने जा रहे हैं एक ग्लास दूध से बढ़िया यम्मी टेस्टी सी मलाई कुल्फी, यानी मटका कुल्फी, मगर वो थोड़ा अलग टेस्ट से बनेगा। तो एक ग्लास दूध ले लिया है हमने, ले लिया है एक बाउल अपनी फ्रेश मलाई, यानी एक तरह से कह सकते हैं दूध जब हम बॉयल करते हैं ऊपर मोटी सी परत जम जाती है मलाई की, बस वही ले लेना है एक बाउल। तो देख सकते हैं, तो इस तरह से हम डाल देंगे। अब इसे हम गर्म कर लेंगे फुल फैट, या फिर आप मलाई नहीं लेना चाहते तो फुल फैट मिल्क ही ले लीजिए, मगर थोड़ा सा ये है ना, फुल फैट मिल्क लेने से क्या होता है कि क्रीमी और यम्मी टेक्सचर आ जाता है, थोड़ा सा क्रीम वाला, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसको हम गर्म कर रहे हैं, तो इसको बॉयल आने तक गर्म करेंगे। एक बात और, इसी बीच में अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। चलिए देख लेते हैं, इस तरह से हम अच्छे से इसको गर्म करेंगे बॉयल दिलाने तक। देखिए, एक ग्लास दूध से आप ढेर सारी मलाई कुल्फी बना सकते हैं, ये देख सकते हैं इस तरह से। तो ये अभी इसमें थोड़ा सा बॉयल आ जाएगा। देखिए, आप घर की चीज़ें अगर देते हैं बच्चों को तो वो बच्चों को हार्मफुल नहीं होती, जबकि आप लोग जानते हैं कि आजकल मिलावट बहुत ज़्यादा हो गई है। तो आप घर की बनी चीज़ें दें। तो ये देखिए बॉयल आ चुका है दूध में। अब हम ले लेंगे 1.5 स्पून आटा, हाँ वही आटा जो घर में हम प्रॉपर ढंग से रोज़ चपाती और रोटी बनाने के काम में लेते हैं। तो देखिए, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इसे लंग्स फ्री बैटर बना लेना है हल्का सा 1 स्पून से। और एक बात गाइस, 1 स्पून आटे से, आप लोग कहेंगे कि इसमें तो आटे का फ्लेवर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, आटे का फ्लेवर बिल्कुल नहीं आएगा। तो आप आसानी से इसे घोल लें अच्छे से। अभी देखिएगा नेक्स्ट, क्योंकि इसमें हम कोई और टेक्सचर, मतलब कोई और इसका फ्लेवर देने वाले हैं, जिससे कि आटे का टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा और आटा कच्चा भी नहीं लगेगा आपको, ये काफ़ी अच्छा सा है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें और कौन कौन से हम फ्लेवर मिला रहे हैं, या बच्चों के ऐसा फ्लेवर मिलाएंगे जो बच्चों को बहुत पसंद होगा। तो चलिए देख लेते हैं, इस तरह से हम लंग्स फ्री बैटर बना लेंगे। बीच बीच में आप जो कढ़ाई में दूध रखा हुआ है उसको भी आसानी से चलाते जाएं, वरना वो लग जाएगा तली में। तो ये देखिए, ये ले लिया हमने कोको पाउडर, जिसको हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा डालेंगे, ये डार्क कोको पाउडर है तो उस हिसाब से थोड़ा सा डालेंगे। देखिए, 2 से 3 चुटकी हम डाल रहे हैं, ज़्यादा नहीं ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा ऐड करेंगे तो वो थोड़ा सा कड़वा स्वाद देने लगेगा इसलिए। तो डार्क चॉकलेट, अगर हल्का चॉकलेट पाउडर है कोको पाउडर तो आप वो ज़्यादा ले सकते हैं, हाफ स्पून तक ले सकते हैं, मगर हमारा डार्क था इसलिए हमने 1/4 स्पून लिया हुआ है। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे गांठे गांठे जैसे लग रही हैं तो इसको हम मिक्स करेंगे, ये देख सकते हैं गाइस। और अब हम इसमें क्या कर लेंगे, ये देखिए, तो ये देख सकते हैं, चलिए आगे दिखाते हैं। ये देखिए, अपना दूध गर्म हो चुका है अच्छे से। अब इसमें ये हम मिक्स कर लेंगे, जो हमने कोको पाउडर मिक्स करके दूध रखा हुआ है, इसको फ्लेम को करेंगे धीमा, जिससे कि गांठे ना पड़े, और अच्छे से इसको स्क्रैप करते हुए चलाएंगे। और उसके बाद ये जो हमने पेस्ट बनाकर रखा था वो डाल देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। देखिए, आटे की वजह से हमारे दूध में थोड़ा सा थिकनेस अच्छे से आ जाएगा, मतलब थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, और इसको टेस्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। और चॉकलेट डाला हुआ है इसकी वजह से थोड़ा सा टेस्टी और स्वादिष्ट बन जाएगा, क्योंकि बच्चों को, आप लोगों को पता है, बच्चे जो होते हैं वो टेस्ट होता है वो चॉकलेट फ्लेवर बहुत पसंद करते हैं। इस वजह से बच्चे हों या बड़े, चॉकलेट सबकी पसंद होता है। तो इसमें हम चीनी डाल देंगे। तो इसमें हमने 7 स्पून चीनी ऐड किया हुआ, क्योंकि ठंडी चीज़ों में मीठा थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, इस वजह से आप 1-2 स्पून ऊपर नीचे कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने इसमें 7 स्पून डाल दिया, यानी 7 स्पून मीडियम स्पून है, छोटी स्पून है, बहुत बड़ी स्पून नहीं है। तो इसमें डाल दिया है, अब इसे हम चलाते हुए पका लेंगे। तो ये देखिए, इसे पकाते हुए हमें थिक करना है अच्छे से, ये देखिए इस तरह से, और आसपास का जो लग जाता है हमारा दूध उसको भी स्क्रैप करते जाना है। और ये बहुत जल्दी बन करके तैयार होती है आइसक्रीम, और बहुत स्वादिष्ट होती है। बच्चे बिल्कुल जान नहीं पाएंगे आपके कि ये मार्केट की आइसक्रीम है या फिर घर की आइसक्रीम है, इतना ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो आप ये देख सकते हैं, ये देखिए इस तरह से चलाते हुए पका लेंगे। तो देखिए, थिकनेस आने लगी है इसके अंदर, और जो थिकनेस के बाद में इसमें क्या है कि हल्का हल्का सा जैसे मलाई यानी रबड़ी में बन जाता है रेसे, वैसे बनने लगे हैं। तो अभी देखिएगा, अगर एक आध गांठ रह भी जाती है तो उसको हम कैसे दूर करेंगे, ऐसी कौन सी ट्रिक अप्लाई करेंगे जो जो थिकनेस है बढ़ जाएगी, और इसकी जो गांठें हैं एक आधी चोर बन जाती हैं कभी कभार गलती से, वो भी बिल्कुल सही हो जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे। तो पूरी फुल वीडियो देखेगा तभी आपको समझ में आएगी। तो देखिए, हमारा दूध जो है वो गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसे फ्लेम को करेंगे बंद, क्योंकि फ्लेम बंद कर देंगे ना, क्योंकि अभी ये ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा और थिक हो जाएगा, यानी और गाढ़ा हो जाएगा। तो आपको
अच्छा रहेगा। तो ये देख सकते हैं इस तरह से अभी हम चलाते हुए इसे ठंडा भी करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से चलाते हुए पका लेंगे, जिससे कि तली में चिपके नहीं, क्योंकि जब गाढ़ा होने लगता है ना तो ये अच्छे से थोड़ा थोड़ा सा नीचे चिपकने लगता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है चलाना। इसीलिए हमने आपसे बोला है कि इसे चलाना बहुत ज़रूरी है। तो ये देख सकते हैं इसको हमने दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है, जिससे कि अच्छा से ठंडा हो जाए। और ये देखिए कुछ कुछ गांठें आपको दिख रही हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे जो प्रोसेस करेंगे हम उससे आपकी गांठें बिल्कुल चली जाएंगी, स्मूथ हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं बैटर हमारा ठंडा हो चुका है। अब हमें क्या करना है ये हम आपको दिखाते हैं। मिक्सी का जार लेना, देखिए हमारे पास यहाँ, हम आप लोगों को पता है कि हम मायके आए हुए हैं। अगर आप लोग हमारा दूसरा चैनल ब्लॉग वाला देखते हैं तो उसमें बताया है हमने कि हम मायके जा रहे थे, तो मायके आए हुए हैं, तो मायके में छोटा सा ही जार था, यहाँ मम्मी ज़्यादा यूज़ नहीं करती हैं बड़े जारों का। तो इस तरह से देखिए फेंट लेंगे इसको, तो हम इसको दो बार में फेंटेंगे। आपके पास बड़ा जार हो तो आप एक बार में ही फेंट लीजिएगा। अब इसे हम इस तरह के कंटेनर में भर के रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर आइसक्रीम मोल्ड वगैरह नहीं है। आपके पास आइसक्रीम मोल्ड हो तो आप उसमें भर लीजिएगा। तो देखिए तीनों के तीनों भर लिए हैं, ठीक है। इसको ये वही मोल्ड ले लिए हैं जो मटका कुल्फ़ी आजकल लोग बेचते हैं, तो मतलब पूरी की पूरी कुल्फ़ी आ गई थी, इस वजह से ये भी मिल गए थे मोल्ड, तो बस इसी में हमने जमा लिए। तो आप देख सकते हैं एक गिलास दूध से तीन तीन मोल्ड बन करके तैयार हो गया। अब इसे देखिए थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था, लगभग 2 से 3 घंटे के लिए, तो ये हल्का सा जम गई हैं। तो इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें अपने चॉकलेट बॉल्स डाल देंगे, चॉकलेट चिप्स बोलते हैं उसे, चॉकलेट चिप्स डाल देंगे, जिससे क्या होगा ना ठंडी, देखिए गरम गरम में आप अगर डाल देते चॉकलेट चिप्स मेल्ट हो जाती, तो ये ठंडे में ऊपर से डाल देंगे अच्छे से, इससे क्या होगा ये ऊपर बनी रहेंगी अच्छे से, तो ये मेल्ट भी नहीं होंगी और ठंडी की वजह से, मतलब ठंडी की वजह से मेल्ट नहीं होंगी और नीचे भी नहीं बैठेंगी। तो अब इसे हम क्या करेंगे, डालने के बाद इसे डेकोरेट करने के बाद, क्योंकि बच्चे हैं चॉकलेट देखकर खुश होते हैं, तो इस तरह से देखिए हम सारी डेकोरेट कर देंगे। अब इसे बंद करके आप ओवरनाइट के लिए रख सकती हैं, या जितनी देर में आपकी फ्रिज बर्फ जमा देती हो उस हिसाब से आप इसे रख सकती हैं। तो इसे हम रख देते हैं ओवरनाइट के लिए। ओवरनाइट के बाद में इसे अच्छे से, देखिए ओवरनाइट हो चुका है गाइस, 5 से 6 घंटे में ही बच्चों ने जिद मचाई थी खाने के लिए, तो एक हमने दे दिया है, एक दो बच्चे हैं, तो दोनों के बाद में हम इन्हें निकाल लेंगे अच्छे से। और अब हम इसे दिखाएंगे आपको डीमोल्ड करके। तो ये ओवरनाइट रख दिया था, नाइट भर में जम चुकी हैं। तो इस तरह से आप हाथ से रब करेंगे, इससे क्या होगा, इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो हाथ के रब करने से ही आपका आसानी से ये डीमोल्ड हो जाएगा। अगर आपका नहीं डीमोल्ड होता तो इस तरह से नल के टैप का पानी ले लें, मतलब नॉर्मल पानी लेना है, और पानी में इस तरह से नॉर्मल डाल देना है, और आपकी मटका कुल्फ़ी बहुत अच्छे से, नए फ्लेवर वाली मटका कुल्फ़ी बहुत अच्छे से ही आपकी ओपन हो जाएंगी। तो देखिए देखिए यहाँ पर आइसक्रीम स्टिक वगैरह भी नहीं थी, तो हमने इनको निकालने के लिए फॉग का इस्तेमाल किया है। ये देख सकते हैं फॉग डालकर निकालेंगे, तो थोड़ा सा फॉग स्लिपरी होती हैं क्योंकि चिकनी होती हैं, तो इससे निकालने में हमें थोड़ा सा दिक्कत आई, क्योंकि घूम तो जा रहा था मगर निकालते समय ये फॉग निकल आ रही थी बाहर। तो ये देख सकते हैं इस तरह से हम धीरे से निकाल देंगे घुमाते हुए, रोटेट करते हुए। अगर आपकी स्टिक है, लकड़ी की स्टिक है, वुडन स्टिक है, तो आसानी से आप डीमोल्ड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए इस तरह से आप निकाल लेंगे, तो ये देखिए हम निकाल कर दिखा रहे हैं, तो देखिए कितना क्रीमी, कितना यमी टेक्सचर है। देखिए बच्चे हमारे तो खा करके बिल्कुल भी नहीं पहचान पाए कि मम्मा ये हमने आटे से बनाई है, बहुत टेस्टी और बहुत यमी मटका कुल्फ़ी। इस तरह से कुल्फ़ी आप खाएंगे ना तो इसका स्वाद आप भूल नहीं पाएंगी। देख सकते हैं गाइस कितना टेस्टी और कितना यम्मी लग रहा है, उसको टच करने से ही क्रीमी फ्लेवर आ रहा है। इसी तरह से दोनों के दोनों निकाल कर रख लेंगे और थोड़ा सा इसको हम बढ़िया सा डेकोरेट कर देंगे। तो देख सकते हैं आप कि हमें फॉक से निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, अगर वुडिंग स्टिक होती यानी लकड़ी की स्टिक होती तो आसानी से निकल आता। तो ये देख सकते हैं हमारी क्रीमी टेस्टी इस आइसक्रीम बन करके तैयार हो गई हैं। तो आप अच्छे से देख सकते हैं इसके ऊपर हम थोड़ी सी चॉकलेट चिप्स स्प्रिंकल कर देंगे और आसानी से सर्व करेंगे। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करेगा, कमेंट करके जरूर बताएगा कि हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ।